हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि शैडो वर्क क्या होता है, हमारी जो शैडोज हैं उनका बर्थ कैसे होता है, उन शैडोज को हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं उन स्पेसिफिक टेक्निक्स के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी जिससे हम अपना शैडो वर्क बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं सिर्फ दो टेक्निक के बारे में बात करूंगी आज, क्योंकि ज़्यादा टेक्निक यूज करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन लेना बहुत आसान है और इन्फॉर्मेशन से कोई फायदा नहीं है। इन्फॉर्मेशन लेके उसका एम्बॉडीमेंट करना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि उसी से ही हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने से हमारे अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला, इसलिए मैं दो ही टेक्निक के बारे में बात करूंगी और ये एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से आप उनको यूज करेंगे और उनसे अपने अंदर क्वेश्चन करेंगे कि ये शेडोज आपके अंदर है तो क्यों है, और उनको रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट वर्क के बारे में, फर्स्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं, वो है प्रोजेक्शन टेक्निक। तो होता क्या है दोस्तों, हमारे अंदर बहुत सारे शैडोज हमारे जमा हो जाते हैं। शैडोज क्या होते हैं, वो पार्ट जिनको हमने रिप्रेस कर दिया, जिनको हम बुरा समझते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, फैमिली और अदर पीपल, तो हम उनको भी वैसा ही मानने लग जाते हैं कि वो हमारा एक बुरा एस्पेक्ट है, तो हम उनको रिप्रेस करने लग जाते हैं, तो वही हमारी आगे चल के शैडोज बन जाती है। तो उन शैडोज के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से शैडोज है, तो वो हम प्रोजेक्शन टेक्निक से जान पाते हैं। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि प्रोजेक्शन टेक्निक ही क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे अंदर जो हमारे शैडोज है वो बाहर नहीं आना चाहती हैं। हमको बहुत इजी होता है अगर हम हमारे अंदर के शैडोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेके किसी और को दोषी ठहरा दें, ये बहुत आसान है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमारा ईगो जो है वो बड़ा पेन महसूस करने लग जाता है, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने बारे में जानने के लिए, क्योंकि शैडोज तो एक बुरा एस्पेक्ट मानता है हमारा माइंड, इसलिए उसको हाइड करके रखता है। अगर उसी के बारे में वो जानेगा तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं, बड़ा आसान हो जाता है। दूसरों को दोषी ठहराना भी बहुत आसान हो जाता है। तो ये होता कैसे है, आज मैं ये शेयर करती हूँ आपके साथ कि हमको ये प्रोजेक्शन करना कैसे। तो देखिए, मैंने जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने इस वर्ल्ड को एज अ मिरर लेना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे अंदर क्या है। मुझे तो सिर्फ तभी पता लग सकता है जब मुझे कोई आके बताए कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तब मैं उनको रिजॉल्व कर पाऊंगी। लेकिन ऐसा कौन है जो मेरे अंदर की प्रॉब्लम समझ पाएगा, ऐसा कोई भी नहीं होता। हमको हमारी प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही ढूंढना पड़ता है। मैं आपको ये बताती हूँ ये कैसे करेंगे अपन। तो देखिए, जैसे फिजिकल मिरर होता है हमारे सामने, जिसमें आप अपना फेस देखते हो, उसमें हम अपनी फिजिकल बॉडी देख पाते हैं। लेकिन सिर्फ फिजिकल बॉडी देखने से हमको अपना इंटरनल नहीं पता चलता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो ये हमको पता चलेगा जब हम पूरे वर्ल्ड को एज अ मिरर ले लेंगे और उसमें जिन लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जिन लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जिनके हम टच में रहते हैं, उनके ऊपर हम हमारी शेडोज का प्रोजेक्शन करते हैं। एक एग्जांपल मैं लेती हूँ जो मेरी पर्सनल लाइफ का है। तो जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम सामने आती थी और मैं उससे बड़ी इरिटेटेड रहती थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, आई हैव टू वेरी स्मॉल किड्स ऑल्सो, आई हैव टू वेरी एल्डरली इन लॉज ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ, एंड मुझे घर का सारा काम वगैरह करना होता था, फिर मुझे ऑफिस जाना होता था। इस बीच क्या होता था, मॉर्निंग टाइम में ही बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग आ जाते थे जिनको जैसे कुछ खाने की, पैसों की ज़रूरत होती थी, वो सुबह सुबह आ जाते थे। लेकिन ना तो वो मेरे जाने के बाद आते थे, ना मेरे वो ऐसा टाइम पे आते थे जब मैं बड़ा फ्री हूँ, या फिर किसी हॉलीडे के दिन, ऐसा नहीं होता था। स्पेसिफिकली उसी टाइम आते थे जब मैं बड़ा बिजी रहती थी, बड़ा इरिटेटेड मैं रहती थी उस टाइम जब कोई आ जाता था। तो मुझे ये लगता था, अरे यार ऑलरेडी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक कन्फाइंड टाइम है, मुझे ये चीज़ें पूरी करनी है, ऊपर से ये लोग और आ जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, इतने सारे लोग आ जाते हैं और मेरा टाइम तो उसी में ही निकल जाता है, ऐसे मैं कॉन्टेम्पलेट करती थी अपने माइंड में। तो इस चीज़ को जब मैंने जब हीलिंग मैं करने लगी, जब मैं इस एनर्जी के बारे में समझने लगी, जब मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी में आ गई, तो मैंने इस चीज़ को बड़ा कॉन्शियसली डील करना शुरू किया। मैं अवेयरनेस में आई,
तो मैंने इसका इंटरप्रिटेशन किया, तब मुझे पता लगा कि मेरे अंदर की क्या चीज है जो इन लोगों के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है, क्यों मुझे ये लोग आते हैं तो मुझे इतना ट्रिगर फील होता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज मैंने ये पाई कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स ऑफ टाइम टू गिव समवन समथिंग। अगर उनका कुछ चीज मैं उनको कोई दे देती हूँ, पैसा या कुछ खाना दे देती हूँ, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो उनके लिए एक मील का काम भी कर सकती है, जो उनके लिए बड़ा रिलीफ हो सकता है। तो मैंने पहली ये चीज़ देखी, मेरे के अंदर पेशेंस नहीं है 2 मिनट का भी, क्योंकि हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं अगर मैं इन सब चीज़ों को निपटाऊं, लेकिन मैंने वो 2 मिनट भी देने की कोशिश नहीं की। दूसरी चीज़ मुझे अपने अंदर ये नज़र आई कि मेरे अंदर देने की भावना इतनी नहीं है। तब मैंने ये समझा, अपनी लाइफ का एक इंट्रोस्पेक्शन किया, तब मुझे पता चला कि मैं अपने पेरेंट्स के घर में थी मैरिज से पहले, तो वो हमेशा लेने देने का काम वो करते थे। मैरिज हो गई तो यहाँ पे इन लॉज सारा करते थे, लेकिन जैसे ही वो नहीं करने के स्टेट में आ गए तो मुझे करना पड़ता था। तो मुझे इस चीज़ को समझने में कि ये चीज़ मुझे करनी है, मुझे इस चीज़ को अपना बनाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे देना चाहिए ये एस्पेक्ट मुझे ध्यान था नहीं, मैं इग्नोरेंट थी इस चीज़ के बारे में। मुझे लगता था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ों की होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना नहीं चाहती थी। तो इन दो चीज़ों से मुझे ये पता लगा, देर इज समथिंग इनसाइड मी विच इज़ रिफ्लेक्टिंग बाय अदर पीपल। फिर मैंने क्या किया कि कॉन्शियसली उनको देना स्टार्ट किया, 2 मिनट से 3 मिनट का टाइम निकालना स्टार्ट किया उनके लिए। जब देती थी तो उनको ब्लेस भी करती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एनर्जी हीलिंग में आ चुकी थी, तो मैं उनको ब्लेस भी करती थी। 10 मांगते थे, मैं उनको 20 देती थी, उनको कुछ खाना देती थी, तो बड़ा अच्छे मन से देती थी। तो मेरे अंदर मैंने ये देखा, मेरे रिफ्लेक्शन में ये चेंज आया कि 2-3 दिन के बाद ही उन लोगों ने आना बंद कर दिया। इतना मिनिमम हो गया उनका आना कि अब शायद ही 1 वीक में शायद ही कोई इक्का दुक्का इंसान आता है। क्योंकि वो चीज़ मुझे इसलिए रिफ्लेक्ट होती थी क्योंकि वो मेरे अंदर थी। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को एज अ मिरर ले लीजिए। जो प्रॉब्लम्स, जो कंडीशंस बार बार आपके साथ हो रही है, जो पैटर्न्स बार बार अपीयर हो रहे हैं, जो चीज़ें आपको बार बार ट्रिगर हो रही है, उसके लिए आप क्वेश्चन कीजिए, हर चीज़ को क्वेश्चन कीजिए। मैंने मेरी जर्नी के स्टार्टिंग में मुझे कोई भी हेल्प नहीं थी, मुझे पता नहीं था किससे हेल्प लेनी चाहिए या कोई मेरे बात को समझ पाएगा कि नहीं, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ पे फेथ बहुत रखा कि मैंने क्वेश्चन किया, हमेशा हर कंडीशन को क्वेश्चन किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली। पहले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेती थी, दूसरों पे चीज़ें थोप देती थी कि ये उसकी वजह से होता है, ये थर्ड पर्सन ने ऐसा किया है इसलिए मेरे साथ ऐसा है। लेकिन उसके बाद जब मेरी एक टाइप से अवेकनिंग के बाद से मुझे फील हुआ कि हम जो भी कुछ है वो हमारे अंदर है, अगर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू इंटरप्रेट एवरीथिंग। तो आप अपना रिफ्लेक्शन कैसे ले सकते हैं, जैसे आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, आप बिंज वॉच करते हैं नेटफ्लिक्स, आप मूवीज देखते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप उसमें देखिए क्या चीज़ आपको इमोशनली ट्रिगर कर रही है, ऐसा क्या है आपके अंदर जो आप वो रिफ्लेक्ट होके आपके सामने आ रहा है। क्योंकि हर चीज़ हर इंसान को टच नहीं करती, स्पेसिफिक कुछ चीज़ें कुछ इंसानों को स्पेसिफिकली टच करती है। तो उन चीज़ों को आप थोड़ा गौर से देखिए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए उस चीज़ों को, थोड़ा माइंडफुलनेस के साथ ट्रीट कीजिए, आपको आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। अगर आपने कभी देखा हो कि अगर हम मूवीज़ देखते हैं तो आप हमको क्यों फैंटेसी मूवीज़ बड़ा अट्रैक्ट करती है, क्यों उसमें जो सुपर हीरोज होते हैं वो हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और क्यों हमको हमेशा गुड और बैड की जो एक लड़ाई हो रही होती है उसमें हमको बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो ये चीज़ें इसलिए क्योंकि गुड और बैड हमारे अंदर है, ये भी फाइट हमेशा चलती रहती है। सुपर हीरोज की जो पावर है वो हमारे अंदर भी है, वो निकलना चाहती हैं, हम निकलने नहीं देते क्योंकि उसको रियलिटी नहीं मानते, क्योंकि मूवीज़ ने उनको फैंटेसी बना के रखा है। लेकिन कुछ मूवीज़ जैसे अवतार हो गया, ऐसे मूवीज़ हैं, ये सुपर हीरोज़ की मूवीज़ हमको बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो एस्पेक्ट हमारे अंदर भी है। तो उस एस्पेक्ट को हमको समझना है कि वेयर देयर इज पावर इनसाइड अस, और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और मैं दूंगी। जैसे आपने न्यूज़ में देखा या कहीं कुछ मूवी में देखा, किसी के डेथ हो जाना, उससे आपको बहुत सैडनेस आ गई आपके अंदर, सडन
आपका कोई इमोशन ट्रिगर हो गया, तो इससे आपको ये पता लगेगा अगर आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो। एक चीज तो ये हो सकती है कि आपकी लाइफ प्रोसेस जो है, ये लाइफ डेथ और बर्थ की जो प्रोसेस है, आप उससे कुछ एग्रीमेंट नहीं करते हैं, आप एग्री नहीं हैं कि ये लाइफ प्रोसेस को ऐसे ही चलते रहना चाहिए क्या, या ये ऐसे ही चलती है। दूसरी चीज ये हो सकती है, हो सकता है आपके बचपन में या कभी और आपने कोई नियर एंड डियर की कोई डेथ को बड़ा करीब से देखा हो, जो आपके अंदर स्टिल उसका वूंड है आपके अंदर। एक ये एग्जांपल है। और एक दूसरा एग्जांपल है कि सपोजेडली आपने किसी लेडी को देखा और वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है अपना मनी, और आपने उसको जज किया कि यार वो कितना पैसा खर्च करती है, कितना पैसा उड़ाती है, वो कभी ये लाती है कभी वो लाती है। तो ये जो जजमेंट है ना, जब भी आप किसी चीज को जज करते हो तो उसमें आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, व्हाट इज देयर इनसाइड यू व्हिच इज ट्रिगरिंग बाय दिस जजमेंट। वो जो फीमेल वो ऐसे कर रही है, लेकिन व्हाट इज देयर इनसाइड यू, हो सकता है आपके अंदर वो डिजायर हो वो चीज करने की, लेकिन आप उसको हाइड करना चाहते हैं, आप उसको सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि जो चीज आप सप्रेस करेंगे ना, वो चीज आपकी लाइफ में हमेशा एक्सप्रेस होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस के थ्रू, डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स के थ्रू वही चीजें एक्सप्रेस होगी, जिन चीजों को आप हमेशा सप्रेस करते रहोगे, हाइड करते रहोगे। तो हाइड करना कोई सलूशन नहीं है, जो चीजें आपके सामने एक्सप्रेस हो रही है उनसे आप उनको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। एक और मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे कुछ ट्रिगर्स भी आते हैं आपके अंदर। पहला तो हमने देखा प्रोजेक्शन, दूसरा हम देखते हैं ट्रिगर्स, ये कुछ चीजें आपको बुरी तरीके से ट्रिगर करती है। तो उन ट्रिगर्स को आपको ध्यान से देखना है कि वो आपके अंदर क्या एनर्जी के अंदर चेंज कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। स्पेसिफिकली वो ट्रिगर ऐसा क्यों है, हर बार एक पैटर्न पता लगाइए कि क्या ये ट्रिगर जो हर बार एक्टिव होता है, हर बार ऐसी सिचुएशन होती है तो ये ट्रिगर एक्टिव होने लग जाता है। उस ट्रिगर को ध्यान दीजिए, उसमें ये देखिए आपके साथ क्या कोई पास्ट में ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, या फिर आपके अंदर ऐसी कोई डिजायर है जो आपने दबा के रखी है। कभी कभी हम डिजायर्स को सिर्फ एक नाइस गर्ल सिंड्रोम बनाने के लिए उस डिजायर को दबा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक लड़की है, उससे मैंने कुछ हेल्प मांगी, उसने मुझे डायरेक्टली नो कह दिया, तो मेरे अंदर एक बड़ा ट्रिगर हो गया, कुछ अंदर से ऐसा ट्रिगर हो गया। अब मैं उस चीज को गलत वे में ना लेके कि उसने मना कर दिया, मैं उसको ऐसे सोचूंगी कि यार उसने मना कर दिया, मैं क्यों ट्रिगर होगी, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है क्योंकि वो एक अच्छी लड़की नहीं है। जब मैंने उसको इंट्रोस्पेक्ट किया तब मुझे पता लगा कि वो तो बड़ी इजीली नो कर देती है, लेकिन मैं नो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नो करना एक बुरी आदत है, एक गलत तरीका है। हमको हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ये शायद हमने कभी इसकी प्रोग्रामिंग हमारे अंदर हो गई हो, शायद हमने इस चीज को बहुत डीपली इनग्रेन कर लिया हमारे बचपन से, हमारे पेरेंट्स ने कहा हो या किसी ने कहा हो कि हमको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैंने जो ना करने का जो एस्पेक्ट है ना उसको सप्रेस कर दिया। अब मैं हमेशा एक गुड गर्ल का, एक नाइस गर्ल का जो है ना मास्क पहन के रखती हूँ, और मैं कभी किसी को ना नहीं कह पाती हूँ, इसलिए मुझे उस लड़की का ना कहना है ना ट्रिगर कर गया, क्योंकि जो मैंने सप्रेस कर दिया ना वो उसके थ्रू मुझे एक्सप्रेस होने लग गया। अगर मैं उस चीज को दबा के रखूंगी तो क्या होगा, रिजेंटमेंट होगा, मुझे सामने वाले से बड़ा रिजेंटमेंट फील होता रहेगा कि यार वो तो कर सकती है मैं नहीं कर सकती हूँ। दूसरा मैं एज अ डोरमेट बन जाऊंगी कि कोई और आके कुछ भी कह के और करवा के चला जाएगा, मेरे अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं रहेगी, तो ये चीजें बल्कि नेगेटिव फीलिंग्स और आती रहेगी मेरे अंदर, और ये इमोशंस एक दिन इकट्ठा होकर एक वॉल्केनो की तरह फट जाएंगे। उससे पहले ही हम इन चीजों को समझ लें, थोड़ा माइंडफुल होके हमारे ट्रिगर्स क्या हैं उनको वॉच करें, उनको इंट्रोस्पेक्ट करें, और क्या होता है जो हमारा डार्क एस्पेक्ट होता है ना उसको हम हाइड ना करके, हमने इतने दिन उसको हाइड किया था तभी तो एक्सप्रेस हो रहा है, अब उनको हाइड ना करके, रिजेक्ट ना करके उसको एक्सेप्ट कीजिए। हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था इसलिए वो अब तक था, लेकिन अब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ मैं भी ना कह सकती हूँ, मैं भी देख सकती हूँ कि क्या चीजें मुझे कहाँ बाउंड्री सेट करनी है और कहाँ बाउंड्री नहीं सेट करनी है, कहाँ मैं चाहती हूँ अपने डिजायर को एक्सप्रेस करना, कहाँ मैं अपनी वैल्यूज
जो है वो उन पे एग्री होना चाहती हूँ, उन वैल्यूज को फॉलो करना चाहती हूँ। तो पहला तो है इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, व्हाट आर योर ट्रिगर्स एंड व्हाट आर योर प्रोजेक्शन। और दूसरा है इन्हीं डार्क पार्ट्स को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बड़ा माइंडफुलनेस से उसको ट्रीट कीजिए और उसको मानिए कि हमारे अंदर दोनों ही एस्पेक्ट हमेशा रहते हैं, लाइट एंड डार्क, और इन्हीं से मिलकर हम होल बनते हैं। तो अपने ऊपर थोड़ा, अपने आप को बड़ा प्यार से डील कीजिए और थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपसे, जैसे एक शेडो वर्क है, इनर वर्क, वैसे ही एक सेल्फ लव है, उसकी भी एक डिफरेंट जर्नी है, उसकी भी अलग टूल्स एंड टेक्निक्स है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। उससे भी यही होता है कि हम हमारा जो सोल डिसोसिएशन हो चुका है उसके साथ हम हमारे जो सोल्स के जो पार्ट्स फ्रेगमेंटेड हो गए हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आप इन सभी जो मैंने टूल्स आपके साथ आज शेयर की, टेक्निक्स जो शेयर की, आप उनकी जर्नलिंग कीजिए और इन चीज़ों को एम्बॉडीमेंट कीजिए, क्योंकि एम्बॉडीमेंट इज द की टू सक्सेस इन माय ओपिनियन। आप भी करके देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो कि आपकी क्या है शेडोज, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ डालिए, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो बेल आइकन होता है तो प्लीज़ उसको क्लिक कीजिएगा, नहीं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आपके पास उसका नोटिफिकेशन ना जाए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इस टाइप का स्पिरिचुअल टाइप का या इनर वर्क अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए बाय।